हाय गाइस, क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट हीट्स अ बीकर। एक स्टूडेंट ने एक बीकर को हीट किया जिसमें आइस और वाटर है। ही मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको ये फोर ग्राफ्स गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है इस इन्फॉर्मेशन को करेक्टली स्पेसिफाई कर रहा है। तो देखो, जब स्टूडेंट बीकर को हीट करेगा तो उसमें आइस है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है आइस का वाटर में हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर जो है पहले कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगा। तो देखो, यहाँ तो पहले ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये कैपिटल टी है, ये टाइम है। यहाँ भी टेम्परेचर क्या है, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ दिखाया गया टेम्परेचर, और यहाँ भी टेम्परेचर आपका हाई पॉइंट पे दिखाया गया। लेकिन यहाँ देखो, टेम्परेचर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पहले वो कांस्टेंट है और उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।